नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, पोस्टर में जैसे आप देख रहे हो मई 2024 और नीचे लिखा है क्वेश्चन मार्क। आप सोचे तो रहेंगे कि सर ने ऐसा थंबनेल क्यों बनाया, आगे कुछ लिखा ही नहीं है, तो मई 2024 में क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, देखो जून महीने में तो हमारा एनिवर्सरी है, तो जून महीने में तो हमारी खुशियाँ और दुगनी तिगनी होने ही वाली है। वो जो बाली सर तो हमें देने ही वाले धमाकेदार न्यूज़, बट उसके पहले मई महीने में ही कुछ ऐसा काम हम कर लेंगे कि ये जो खुशियाँ है ना, दुगुनी तीन गुनी हो जाएगी। तो वीडियो में बिल्कुल भी अंत तक बने रहेगा, क्योंकि ये जो भी गेम खेलना है हमें मई 2024 में ही खेलना है, और अप्रैल में कुछ ज़्यादा काम नहीं करना है। क्या करना है वो भी मैं बता दूंगा कि अप्रैल में आपको क्या करना है, लेकिन जो भी तैयारी करनी है आपको मई 2024 के लिए अभी से कर लेनी है, ताकि जो आपकी चेक साइज है, मतलब आपका जो पे आउट है, वो दो गुना तीन गुना कैसे होगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो लेट स्टार्ट, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कि ये किस तरीके से पॉसिबल होगा। देखिए सबसे पहले दोस्तों, ये कल की वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी है अभी तक, तो देख लीजिए। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी रख देता हूँ और ऊपर आई बटन में भी इसकी लिंक रख देता हूँ। कल हमने ये वीडियो अपलोड की थी, एक तीर दो निशान, जहाँ पर हमने बताया था कि हमारा जो डेड लेग है उसको हम क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं, एलओबी वाला लेग कैसे बना सकते हैं, सारा कुछ डिटेल्स इसके अंदर दिया था, नॉन क्वालिफाई लेग को कन्वर्ट कैसे करने का। बट ये वीडियो में हमने एक आपको बताया था, सुझाव दिया था, एक आपकी फैमिली आईडी लगानी है, उसके नीचे और पांच पोस्टर आईडी लगानी है, और उसके नीचे नौ जन लगाने, और आपका जो फैमिली आईडी है उसको फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनवाना है। लेकिन काफ़ी लोगों का ये भी सवाल था कि सर वीडियो बहुत अच्छी थी, नो डाउट इनकम 50,000 के आसपास आपके घर में आ रही थी, बट हमारी कैपेसिटी सिर्फ 6 डाउनलाइन की है। देखिए आप लोगों के जितने हैं सर उतने सवाल उतने मुझे समझ में नहीं आते, मैं किस तरीके के वीडियो बनाऊँ। पहले बोलते हो कि हमारी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो हमें उस तरीके का बनाओ, क्योंकि हमें सिर्फ 3800 रुपया नहीं ज़्यादा का बेनिफिट लेना है ग्रो योर नेटवर्क ऑफर में। और वीडियो अपलोड होने के बाद काफ़ी लोगों ने बोला कि नहीं सर, सिर्फ 6 डाउनलाइन से अगर एलओबी बन सकती है तो बनाइए, हमें तो सिर्फ 6 डाउनलाइन ही ओपन करनी है, लेकिन वो लेग को हमको एलओबी पे लेके जाना है, तो वो किस तरीके से पॉसिबल होगा। तो चलिए आज वो नायाब तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि ज़्यादा नहीं, सिर्फ 6 नई डाउनलाइन ओपन करके भी आप अपने लेग को एलओबी पे लेके जा सकते हो। किस तरीके से लेके जा सकते हो चलिए आगे बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो मई 2024 ऑल द बेस्ट मैंने पहले ही लिख दिया आपको, काम क्या करना है। सबसे पहले देखो काम करना है आपको, ये अप्रैल महीने के जितने भी दिन बचे उसमें आपके 100 पीवी पहले तो कंप्लीट कर लीजिए, तभी ये सारे ऑफर के बेनिफिट मिलेंगे ना। और मई महीने में अलग से और जो 100 पीवी कर रहे हैं वो कर लीजिए, अब तो कंपनी ने भी छूट दे दी है, चाहो तो सिंगल इनवॉइस में कर लीजिए या तो मल्टीपल इनवॉइस में कर लीजिए, जैसी आपकी मर्जी। ये हिसाब से अप्रैल और मई महीने में आपके 100-100 पीवी पहले तो आपको खुद को कंप्लीट करने। और कल की वीडियो की जैसे ही एक नॉन क्वालिफाई लेग को आपको आइडेंटिफाई करना है, लेकिन वो लेग ऐसा होना चाहिए कि बीच में जो है उसमें से कई लोगों की आत्मा अभी भी सोई नहीं है, जागी हुई है, ऐसा नहीं कि टोटली मर चुके हैं, ऐसे नहीं, कुछ अभी भी पोटेंशियल बचा है, बेचारे काम करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है कुछ किसी कारणवश, तो ऐसे एक लेग को आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। अब करना क्या है, देखो हम मान के चलते ये जो लेग है आपका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सबसे नीचे वाला 8% पे, उसके ऊपर 12% वाला है, उसके ऊपर वाले 16 16 16, मे भी शायद वो पास्ट में शायद ब्रॉन्ज हो गए सिल्वर हो गए, लेकिन फिलहाल वो नॉन क्वालिफाई मेंटेन कर रहे, नीचे से कोई ज़्यादा पीवी नहीं आ रहा है, 2000 पीवी भी कंप्लीट नहीं हो रहे, और नॉन क्वालिफाई बन के रह चुका है ये आपका लैब। तो अब क्या करना है, जैसे मैंने बताया आपकी कैपेसिटी मान के चलिए कि सिर्फ 6 लेग ओपन करने की है, तो ये जो 6 लोग है ये आपको जो सबसे नीचे वाला है उसके नीचे ज्वाइनिंग करवानी है, और ये सारों में क्या करना है, पोस्टर आईडी में आपको अपना आईडी नंबर डालना है, ताकि जो 3800 रुपये का बेनिफिट है वो आपको मिले। एक के नीचे एक ही प्लेसमेंट करनी है, बट सारे के सारे ज्वाइनिंग के टाइम में पोस्टर आईडी में आपको अपना आईडी प्लेस कर देना है, ताकि वो 3800 का बेनिफिट मिले। अब ये 6 लोगों से करवाना क्या है आपका, 1800 पीवी, मतलब ये 6 जो आपने ज्वाइनिंग करवाई है उन सबको आपको फास्ट स्टार्ट 8% ले जाना है, बस दोस्तों काम आपका खत्म हो गया। आपको यही काम करना है, अप्रैल में खुद के 100 पीवी करने, मई महीने में खुद के 100 पीवी करने, और जो 6 नई ज्वाइनिंग जो आपकी कैपेसिटी थी वो नई ज्वाइनिंग को आपको फास्ट स्टार्ट 8% लेके जाना है। अब आपका चेक देखो कितना बड़ा हो जाएगा, इसके अलावा कोई काम नहीं करना है आपको, बस इतना। जैसे ही आप काम कर लोगे तो मैजिक क्या होगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ।
ये जो सबसे नीचे वाला देख रहा है, जो 8% वाला लेग आपको दिख रहा है, वो अब क्या बन जाएगा, ऑलरेडी 600 पीवी से ज्यादा पे है, तभी तो वो 8% पे, अब नीचे से और 1800 पीवी आ गए, उसको फ्री में मुफ्त में आ गए ना, तो उसका लेवल जो है बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, अब 12% हो गया। लेकिन अगर उसको कमीशन चाहिए तो उसको कुछ सेल्स पीवी तो करने पड़ेंगे, अब मान के चलिए ज्यादा नहीं, उसके पास ने आपने सिर्फ 100 पीवी करवा लिए, ये भाई आपके नीचे से 1800 पीवी आ रहे हैं, आपकी सेल्फ खरीदारी कर लीजिए तो आपको परफॉर्मेंस बोनस आ जाएगा। अब ये जो 12% वाला है, जो 3-4 हजार पीवी के आसपास अभी भी था, अब उसको नीचे से कितने पीवी आ रहे हैं, 1900 पीवी तो ऑलरेडी आ रहे हैं, तो अब ये क्या होगा, ब्रॉन्ज बनने के पूरे चांसेस है उसको, क्योंकि नीचे से 1900 पीवी आ रहे हैं, अब उसको आपको क्या बोलना है, भाई साहब आप और 700 पीवी कर लीजिए, 1900 तो ऑलरेडी नीचे से फ्री फंड में आ रहे हैं, आपको 700 और कर लोगे आपको तो 2600 पीवी में आप क्वालिफाई ब्रॉन्ज डायरेक्टर तो बन ही जाओगे, बट क्या मिलेगा आपको, विथ टीम बिल्डिंग बोनस बन जाओगे। तो अगर इतना सारा नीचे से फ्री में आ रहा है पैसा, तो 700 पीवी नहीं करेगा, उसको भी क्या करना होगा, खुद के 100 पीवी करने होंगे, दो नई ज्वाइनिंग लानी होगी, उसको फास्ट स्टार्ट लेके जाना है। अगर इस तरीके से मान लीजिए उसने 700 कर लिए, अब ऊपर वाला जो है 3 जन जो नॉन क्वालिफाई है या तो ब्रॉन्ज रह चुके हैं, उनके पास क्या करवाना है, अब उनके लिए सिनारियो क्या हो गया, उनके नीचे हो गया ये जो ऊपर वाला जो सबसे नीचे वाला 16% है, उसके नीचे एक ब्रॉन्ज क्रिएट हो गया, अब उसको बोलना है भाई साहब आपको सिर्फ अपने साइड के 2100 कर लो या फिर 1800 ही कर लो, तो आप बन जाओगे सिल्वर। अब उसको तो मेहनत सिर्फ उतनी ही करनी है, क्योंकि नीचे से एक क्वालिफाई तो उसको हो गया, उसको अपना साइड वॉल्यूम करना, उसके लिए चाहे तो वो नई ज्वाइनिंग लेके आए या कोई उसका पुराना नेटवर्क है वहां से निकाले, ठीक उसी तरीके से जो ऊपर वाला है उसके ऊपर वाला, उसको भी चांस है सिल्वर बनने का। देखो सिल्वर के ऊपर गोल्ड हो जरूरी नहीं है, सिल्वर के ऊपर सिल्वर भी हो सकता है, तो अगर वो 2100 पीवी कर लेगा तो वो भी सिल्वर बन जाएगा, और ठीक इसी तरीके से उसके ऊपर वाला भी सिल्वर बन सकता है। अब आपका स्ट्रक्चर किस हिसाब से है आप उस हिसाब से देख लीजिएगा, यहाँ पर तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, सिर्फ साइड वॉल्यूम भी ऊपर वाले कर लेंगे, क्योंकि नीचे से लालच आ गई ना कि ऑलरेडी जो मुझे करना था मेन काम वो तो नीचे से अपने आप ही हो गया, क्योंकि 1800 पीवी का काम तो आपने खुद ही कर लिया है उनके नीचे, अब उनको सिर्फ अपना साइड ही करना है या थोड़ा बहुत पीवी करना है। अब ये केस में टोटल पीवी देख लो ना दोस्तों, तो 8900 पीवी होते हैं। अब मान के चलिए कि सभी लोग ने सिल्वर मेंटेन नहीं कर लिया, अगर कर लिया तो आपको मिनिमम 5000 पॉइंट तो एलओबी आएगी, समझ रहे हो, क्योंकि सबसे ऊपर वाले का नीचे जो 2100 पीवी है, दूसरा 2100 पीवी, अगर दोनों भी मेंटेन कर लेते हैं तो सबसे टॉप में जो 16% वाला है वो एलओबी लेगा। अब वो जब एलओबी लेगा तो आपको मिनिमम गारंटी 5000 पॉइंट पीवी की आपको एलओबी देगा। लेकिन मान के चलिए कि ऊपर वाले 3 में से सिर्फ 2 जन ने ही क्वालिफाई किया, तीनों जन नहीं जागे, सिर्फ 2 जन जागे, तो पूरी की पूरी एलओबी जो है तकरीबन 6-6500 पीवी की वो आपको मिलेगी। तो सिंपल है, अगर आपके पास 6 ज्वाइनिंग करने की भी कैपेसिटी है तो इस तरीके से आप ज्वाइनिंग करवाइए, तो भी आप आराम से 1 ही लेग को एलओबी लेके जा सकते हो। लेकिन एक बात मैं आपको अभी भी वापस रिमाइंड करवा दूं, अगर आपको जिसको भी आइडेंटिफाई करना है कि मुझे नेक्स्ट मंथ में इनको कैसे भी करके इस तरीके से ये स्ट्रक्चर पे काम करना है, उनके साथ बैठिए, मीटिंग करिए, और जो जो लोगों को आपने आइडेंटिफाई किए हैं उनको बोलिए आपके नीचे मैं इस तरीके से काम करने जा रहा हूँ, आप प्लीज़ ये महीने में अपने 100 पीवी कंप्लीट कर लीजिए, तभी उनको बेनिफिट होगा ना, क्योंकि जो ऊपर के 3 जो 16% वाले आपको दिख रहे हैं, मे भी शायद वो मई महीने में कुछ नई ज्वाइनिंग लेके आएंगे, तो वो सिल्वर भी क्वालिफाई कर लेंगे और उसके साथ में उनको जो 3800 रुपये का बेनिफिट है वो भी मिल पाएगा। लेकिन उनको वो तभी मिल पाएगा जब उन्होंने अप्रैल महीने में भी खुद के 100 पीवी किए रहेंगे। तो अभी अप्रैल महीने में आपको क्या काम बचा है, अपने खुद के 100 पीवी कंप्लीट कर लेने, जिन जिन लोगों को आपने आइडेंटिफाई किए हैं कि नहीं मुझे ये लेग में अभी कुछ भी हो जाए, नेक्स्ट मंथ में कुछ भी कितना भी काम करना पड़े ये मैं कंप्लीट करूंगा, तो उन लोगों के साथ बैठ के मीटिंग करके उनके भी 100-100 पीवी ये महीने में कंप्लीट करवा दीजिए। और मई महीने में ये जो काम है ना दोस्तों, ये जो सबसे नीचे पीले वाले जो 6 ज्वाइनिंग दिख रही है और 1800 पीवी दिख रहे हैं, ये काम आपको कब तक कंप्लीट करना है, आपको वो काम कंप्लीट करना है लेट बाय लेट मई महीने की 10 या 12 तारीख तक, तभी तो ऊपर वाले जागेंगे ना, तब उनके पास भी तो कुछ समय होने चाहिए उनके लेवल कंप्लीट करने के लिए। आप 25 या 26 तारीख को ये 6 ज्वाइनिंग कंप्लीट करोगे और फिर लास्ट के बचे हुए 4 दिन में आप उनको बोलोगे कि तू साइड से 2100 कर ले, तू सिल्वर बन जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं होने वाला है। तो आपको ये भी एक ध्यान में रखना है, आप तैयारी कर लीजिए, ज्वाइनिंग करवा के रेडी रख दीजिए,
यही महीने में, अप्रैल महीने में, जो 6 नई ज्वाइनिंग करवानी है, तुरंत ही जैसे मई महीना स्टार्ट होता है आप तुरंत फटाफट फटाफट वो 6 लोगों को फास्ट स्टार्ट लेके जाइए 8% पे। लेट में लेट वो काम आप 7 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख तक कंप्लीट कर लीजिए, और बचे हुए 20 दिन में फिर ऊपर वाले को थोड़ा हेल्प कर दीजिए कि देखिए आपके नीचे इतना काम हो चुका है, अब आप बोलो कहाँ भागना है, किस तरीके से काम करना है, किसको मिलना है, आपके भी लेवल हम कंप्लीट करवा देंगे। तो उम्मीद है बिल्कुल भी वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलाइन में शेयर करिए, अपनी अपलाइन को भी ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनको भी, उनके जो अदर लैग में किसी के साथ इस तरीके से काम करना है तो उनको भी, ऐसा नहीं है कि देखो नॉलेज ज्ञान जितना बांटोगे उतना अच्छा है, जरूरी नहीं है कि आप अपने डाउनलाइन को ये ज्ञान दो, आप अपने अपलाइन को भी पूछिए कि हमने एक इस तरीके की वीडियो देखी है तो सर क्या इस तरीके से हम काम कर सकते, शायद वो आपके साथ मिलकर इस तरीके से काम करे, उनके दूसरे लेग में भी इस तरीके से काम करे। तो मिलते कल और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।